नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बताने वाले हैं। ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। तब यह कंपनी शुरुआत में कपड़े का बिजनेस करती थी, लेकिन आज यह कंपनी भारत के अलावा 50 से ज़्यादा देशों में काम करती है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार यह दुनिया की 150 सबसे बड़ी कंपनियों में आती है। तो चलिए दोस्तों, अब कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं और यह रेवेन्यू कहाँ से कमाती है। कंपनी के बहुत सारे बिजनेस हैं। इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस है वह है सीमेंट का। कंपनी का मुख्य बिजनेस सीमेंट है। इसके 50% जो रेवेन्यू है वह सीमेंट से ही आता है। कंपनी ने सीमेंट की बिजनेस की शुरुआत वैसे तो 1980 में की थी, लेकिन यह वर्तमान में चाइना को छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट भारत का नंबर वन सीमेंट कंपनी है। वह इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। सीमेंट में यह ग्रे सीमेंट, रेड मिक्सचर, कंक्रीट सीमेंट, वाइट सीमेंट बनाती है। अल्ट्राटेक सीमेंट भारत के अलावा UAE, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मान में भी इनके प्लांट हैं। इनका जो दूसरा बिजनेस है वह है विस्कोस स्टेफ फाइबर का। इससे कंपनी का 14% रेवेन्यू VSF से आता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा VSF प्रोड्यूसर कंपनी है। ग्लोबल मार्केट का 24% शेयर इसी कंपनी के पास है। यह दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा कास्टिंग सोडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका उपयोग VSF के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। कंपनी 333,975 टन पर एनम VSF का उत्पादन करती है। VSF एक कृत्रिम कपड़ा है जो सूती कपड़े से अच्छा होता है। इसका उपयोग फैशनेबल कपड़े, घर के कपड़े और सर्दी के कपड़े का निर्माण में किया जाता है। कंपनी का जो तीसरा बिजनेस है वह है केमिकल का। केमिकल में इसका 8.7% रेवेन्यू इसका केमिकल बिजनेस से आता है। केमिकल में यह कॉस्टिक सोडा, फॉस्फोरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरीन, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, पॉलीएल्यूमिनियम क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग जो है वह यह कंपनी करती है। कंपनी का जो चौथा बिजनेस है वह है फाइनेंशियल सर्विस का। आदित्य बिरला कैपिटल इसकी होल्डिंग कंपनी है। कंपनी के 20.5% रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विस में आता है। यह कंपनी प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशन देती है। इसमें यह कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कॉरपोरेट और जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक एंड सिक्योरिटी ब्रोकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, पेंशन फंड, होम फाइनेंस का काम करती है। कंपनी का जो करीबन 20.5% रेवेन्यू जो है इससे आ जाता है। तो यह भी कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कंपनी का जो अगला बिजनेस है वह है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। यह बिजनेस कंपनी का सबसे पुराना बिजनेस है। शुरुआत में 1949 में जयश्री टेक्सटाइल कंपनी के नाम से यह शुरू हुआ था। यह कंपनी लाइन फैब्रिक, लाइन यार्न, प्रोस्टेट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। कंपनी का जो 6.5% रेवेन्यू है वह अदर बिजनेस से आता है। इसमें यह कंपनी सोलर पावर इंसुलेटर का उत्पादन करती है। कंपनी इसके अलावा फर्टिलाइज़र का उत्पादन भी करती है। ग्रासिम इंडस्ट्री का अधिकतर बिजनेस भारत में ही है। इसके करीबन कुल रेवेन्यू का 97.3% भारत में ही है और बाकी दूसरे देशों से 2.7% रेवेन्यू जो है वह आता है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार ग्रासिम इंडस्ट्री एशिया के टॉप 50 कंपनी में आती है। कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है और कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी के 38.86% शेयर है। साथ ही साथ उन्होंने कोई शेयर गिरवी भी नहीं रखे हैं, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी जो है लगातार कंसिस्टेंसी प्रॉफिट जो है वह भी जनरेट कर रही है। कंपनी के डेट के बारे में बात करें तो कंपनी के पास डेट भी ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, आप ग्रासिम इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।